हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का अपने चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट में। दोस्तों, बिना आप लोगों का समय वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट जो है वो जारी हो गया है। ठीक है, डीएलएड 4 सेमेस्टर के जो भी प्रशिक्षु हैं उनका एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट जारी हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो बैक पेपर्स हैं, चाहे वो बीटीसी 2015 बैच के प्रशिक्षु हों, 2017 बैच के बच्चे हों, आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट जारी हो गई है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं। तो आपका जिला है वहां पर, जैसे देखिए पहले दिया है यहाँ पर आगरा का, आगरा के बाद हाथरस का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं वहां से देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका सेंटर कौन कौन से कॉलेज या कौन कौन से इंटर कॉलेज सेंटर बनाए गए हैं। मैक्सिमम इंटर कॉलेज ही सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरा जो है इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितना भी लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से दे दिया गया है। दोस्तों, आप जिस भी जिले से बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं उस जिले के एग्जामिनेशन सेंटर्स आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी और आपके यूपी यूपी टेट और सीटेट के अलावा आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके हमने अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और सभी जितने भी वीडियोस हैं राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ उस वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरी राजन सीरीज आपको मिल जाएगी, उसको आपको मार्केट से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, इसी तरीके से हमारे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।